मेरे वीडियो को आप लोग रील्स या शॉर्ट या कहीं भी हो आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं देने वाला हूं दोस्तों, आप लोग बिंदास यूज कीजिए। कलकत्ता में करीब 5,000 मूर्तियां होती हैं, तो हम तो सभी घूम नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके आज घूमेंगे, देखेंगे और बहुत ही मजा मस्ती करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, चलिए इस सफर को एंजॉय करते हैं। स्टेशन में मैं टहल ही रहा था और मेरा हमसफर आ गया। गाइस, कलकत्ता जा रहे हैं। कलकत्ता का दुर्गा पूजा नहीं देखे तो क्या देखे। जो केक आगरा में खरीदे थे उस केक को यहाँ खा रहे हैं मेदिनीपुर में दोस्तों। ओ माय गॉड, जैसे मैंने कैमरा निकाल के 360 डिग्री शूट करना चाहा, बारिश आ गया और मेरा कैमरा फेंक गया। हेलो कोलकाता, कैसे जी आमी हाउड़ा देखो कोलकाता घूरबो सब कुछ पांडाल पांडाले। कलकत्ता जाने के बाद हाउड़ा ब्रिज में कुछ देर रुकने के लिए और वहां थोड़ा सा सेल्फी बात और नदी को देखने के लिए अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो कलकत्ता मत जाइए यार, उसके बिना कलकत्ता घूमना अधूरा है। ये ढाई किलो का हाथ नहीं अनुपमा तो ब्लॉक यूट्यूब चैनल है, अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। मूर्ति का जितना पंडाल है सभी घूमेंगे। कलकत्ता आने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है मेरे को और आ गए हैं। कलकत्ता ना बंगालियों के लिए सपनों का शहर है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं तूली पाड़ा, जो कि हावड़ा स्टेशन से उतरने के बाद ब्रिज पार होने के बाद सामने ही आप लोगों को मिल जाएगा तूली पाड़ा दुर्गा मंदिर पंडाल। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों, भगवान शिव का विश्वनाथ टेम्पल जो है उसका ही हूबहू बना है ये जगह। यहाँ भाई बुला बुला के एकदम फ्री में नींबू पानी पिला रहे थे, मैं तो दबा के पी लिया 4 ग्लास, एकदम पूरा शरीर ठंड हो गया भाई, एकदम बहुत फ्रेश लगने लगा। तो बहुत ज्यादा भीड़ था इसलिए ये कौन सा जगह था मेरे को तो पता नहीं, लेकिन इस जगह का थीम बहुत ही अच्छा था, जो कि समुद्र के गहराई में जो स्कूबा डाइविंग होता है, समुद्र के नीचे लुक जाते हैं, उसका थीम था और बहुत ही अच्छा समुद्र का गहराई को इस पंडाल में दिखाया गया, बहुत प्यारा लग रहा था। घूमते घूमते और पंडाल की ओर आ गए हम लोग। यहाँ कौन सा ज्यादा खूबसूरत है हमको तो पता ही नहीं चल रहा है, जहाँ जा रहे हैं और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और सड़कों के लोग तो और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। कलकत्ता पुलिस पूरा जगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सबको लाइन में लगा के भाई एक शांत माहौल में दर्शनार्थियों को रास्ता भी दिखा रहे हैं। लोगों को भी वो बता दिए एकदम प्यार से, आज इतना अच्छा बिहेवियर पुलिसों का था ना, इतना अच्छा हर दिन अगर पुलिसों का बिहेवियर रहेगा तो हाय हाय कितना मजा आएगा। कभी कभी तो सड़क पे टेक लेते हैं और पैसा ऐंठ लेते हैं, लेकिन आज वैसा नहीं था, आज बहुत ज्यादा प्यार थे।
भाई, अभी हम लोग आए कि आए हैं? तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। ये IIT नहीं, कॉलेज स्क्वायर है, और यहाँ बना है कर्नाटक का मशहूर मैसूर पैलेस, वही बना है यहाँ। अंदर चलते हैं। ज्यादा भारी लग रहा है, और थोड़ा पानी पी लेते हैं। हमारे मंडपे एकमात्र ए बाबू लो, अयोध्या का राम मंदिर देखने चले जाओ। अंकलों का बात सुन के मैं उठ गया बस पे, और दोस्तों 1 किलोमीटर भी नहीं उतार दिया। रोड क्रॉस करने के बाद ये मंदिर पहुंचे दोस्तों, बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इसको देखे ना, मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया था। मैं जब अंदर घुसा ना तो खो गया था। मैं सबसे ज्यादा टाइम खुद रुका था इसी मंदिर में। इतना खूबसूरत मंदिर, इसका आर्ट जो है बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, बेस्ट था मेरे लिए। मंदिर से निकलने के बाद आगे मेरे को ये पसंद, मैं थोड़ा देर तक दाड़ता रहा, और फिर ये आंटी बोली निकलो, पहले फुर्सत से निकलो। तो निकल गया भाई, मैं साइड में कोई चारा तो था नहीं, और मैं चला गया डांस देखने के लिए। लेकिन मेरा देखते देखते उठ गया डांस, और फिर मैं चला गया यहाँ सामने, ये देखिए झूला वगैरह देखने और टैटू बनवाने के लिए। सोचा मुझसे जो प्यार करते है उसका नाम टैटू बनवा लो। याद आया मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, इसलिए मैं टैटू बनवाया बंद कर दिया, मतलब बनवाया ही नहीं। थैनोस की भाषा में बोले थे, कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो, वास्तविकता में जियो। टेटू वाले भैया बोले आओ तुमको डिस्काउंट में कर देंगे, मतलब पैसा ही मत देना, तुम कर लो। लेकिन मैं बोला भैया अभी तो क्या बोले, चाह रहे थे कराने लेकिन नहीं कराएंगे, क्योंकि बाद में अफसोस करना पड़ सकता है। साइड में गया तो देखा ये बच्चे और आंटी ठहर रही है या डांस कर रही है, समझ में नहीं आया। डायरेक्ट सीधा हम लोग घुस गए, मैं झूठ बोल रहा हूँ यार, कैमरा देख के वो लोग खुद बोले कि रिपोर्टर हो आप लोग, तो मैं हाँ से हाँ मिला दिया और फिर अंदर चले गए। और यहाँ मेरा Insta360 कैमरा का बैटरी खत्म हो गया चार्ज को, मैंने सामने ही एक भैया का वहाँ चार्ज में लगाया, बहुत अच्छे थे। मैं पूछा भैया पैसा लगेगा, बोल रहे किस चीज़ का पैसा, थोड़ा सा चार्ज में लगा दिया, इसके लिए पैसा दीजिएगा आप लोग हमारा मेहमान है। ये बात सुन के तो मैं पिघल गया, और भैया अगर आप मेरा वीडियो कभी देखेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, लव यू। बहुत ज्यादा इंतजार के बाद अयोध्या का जो राम मंदिर का हूबहू बना है कलकत्ता में, वहां हम लोग पहुंच गए। और यहाँ आने के बाद एक गजब का सुकून मिल गया। इतना देर से यहाँ आने के लिए कम से कम 10-12 किलोमीटर हम लोग ठेलम ठेलाई करके आए थे। भाई मेरा तो बहुत ज्यादा भारी था बैग, इसलिए पेट भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। लेकिन पहुंचे विद एक्साइटमेंट, और अंदर जाने के बाद जो सुकून जो खुशी मिला ना, उसका एहसास मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, वो शेयर ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन बस बहुत ज़्यादा। और यहाँ आने के बाद मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया, और हम कुंभ मेला में बिछड़े हुए दो तन्हा हो गए। बहुत देर बाद ढूंढने के बाद वो मेरे को मिला।
अब जा रहे हैं रांची मेला देखने के लिए दोस्तों, तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वहां का भी बेस्ट पूजा पंडाल आप सबको दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं पीता हूं एक गर्मा गर्म कॉफी।